नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू की ऑटोमोटिव एक्स सीरीज को। दोस्तों आज मैं एक और नए हेलमेट की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज मेरे पास बहुत ही मतलब बोल सकते हैं परफेक्ट हेलमेट है। आज मेरे पास है स्टीलबर्ड का न्यूली लॉन्च अफोर्डेबल मतलब सबसे सस्ता हेलमेट, जिसका नाम है SVH21। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस हेलमेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कंपनी का मोटिव क्या था इसको लॉन्च करने का और इस हेलमेट में आपको क्या क्या मिलेगा, ताकि आपको पता रहे कि सही में कंपनी ने आपके बारे में सोचा है और आपको ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके आगे की बात करेंगे डिजाइन की। साइड में रख देता हूं इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं SVH21 हेलमेट है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टीलबर्ड कंपनी ने ये सबसे पहले लॉन्च करने का जो इनका मेन मकसद था, आपको मैं बता दूं, कंपनी ने क्लेम किया है कि ये सबसे चीपेस्ट हेलमेट मतलब सबसे सस्ता हेलमेट, अगर ओवरऑल स्टीलबर्ड की मतलब काफी महंगे हेलमेट और मिड सेगमेंट के जितने भी हेलमेट्स के प्राइस की बात की जाए तो उनमें सबसे सस्ता हेलमेट ये है। तो दोस्तों जो इसका मेन मोटिव था, जो आपको पता ही है, जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में काफी चेंजेस हुए हैं दोस्तों, वहां पे ISI प्रूफ हेलमेट, जो कि पूरे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जो क्वालिटी और जितने स्ट्रॉन्ग हेलमेट होना चाहिए वैसा हेलमेट कंपनी कहती है कि आपको पहनना है। तो दोस्तों अगर इसकी ओवरऑल लुक की बात कीजिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसकी ओवरऑल लुक की डिजाइन में अगर आप देखोगे तो इसको आप बोल सकते हैं कंपनी ने सिर्फ चीप रेट बोला है, ना कि चीप क्वालिटी बोली। तो आप देख सकते हैं डिजाइन में कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो हेलमेट का जो अच्छे हेलमेट का जो डिजाइन होता है, मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि काफी मजबूत हेलमेट है ये, इसके जो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर इसके फ्रंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो इसका मेन जो अट्रैक्शन है कंपनी ने इसमें क्लेम किया गया है, जो इसका वाइजर की क्वालिटी है वही जैसे स्टीलबर्ड के जितने वाइजर है स्क्रैच, जिससे मतलब इसमें स्क्रैच कम लगते हैं और मतलब मोटा वाइजर होता है उसमें, ताकि आपकी जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, तो वही चीज इसमें कंपनी ने अच्छी क्वालिटी का वाइजर दिया है, स्क्रैच रेजिस्टेंस पे वाइजर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों ऊपर से बात करी जाए तो आप देख सकते हैं काफी इसमें डिजाइनिंग लाइनिंग्स इसमें इस्तेमाल करी गई है, तो इससे साफ पता चल जाता है कि कंपनी ने थोड़ा बहुत डिजाइन में भी इसमें कंपनी ने ध्यान दिया गया है। और दोस्तों डिजाइन की बात की जाए तो आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, जो इसके जो डिजाइनर है ये बेसिकली इटली से डिजाइन होके आया है हेलमेट, उससे पहचान सकते हैं कि डिजाइन वहां के काफी फेमस है, तो वही डिजाइनर इस हेलमेट को उन्होंने ही डिजाइन करा गया है। और दोस्तों साइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं साइड से आपको इसका दोस्तों वाइजर का जो इसमें मैकेनिज्म है लॉकिंग मैकेनिज्म आपको दिख जाएगा, और दोस्तों साइड से वाइजर के ऊपर स्टीलबर्ड दिखा गया है, बाकी साइड से आपको नॉर्मल ये सिंपल रखा गया है कॉस्ट कटिंग के लिए। और दोस्तों पीछे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पीछे आपको ISI प्रूफ, जो कि ये हेलमेट जो कि जिस नाम से ये सबसे ज्यादा बिकेगा कि मजबूती, वही आपको आराम से दिख जाएगा कि ये मजबूत हेलमेट है और ये कोई जैसे लोकल हेलमेट की तरह कोई स्टिकर नहीं है, ये पूरे टेस्ट जो कि इसके क्रैश टेस्ट होते हैं वही पास करके इसको ये ISI का मार्क मिला है, तो इसने ये अर्न किया है, ना कि कंपनी ने जबरदस्ती इस हेलमेट पे ISI प्रूफ लगाया है। और दोस्तों दूसरी चीज में आप देख सकते हैं स्टीलबर्ड का इसमें आपको नाम दिख जाएगा, तो दोस्तों आप इसको नाम देखते आपको समझ जाओगे कि क्वालिटी में कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। और दोस्तों एक चीज और बताता हूँ, अगर आप साइड से अगर आप इसे देखेंगे तो इसका वाइजर देखिए आप ऊपर की तरह थोड़ा टिल्ट है मतलब मुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ऊपर की तरफ से भी अगर पानी आता है तो इससे क्या है कि सीधा वाइजर के अंदर आपके फेस पे नहीं जाएगा, इसके वाइजर पे ये पानी रुक जाएगा और ऊपर से भी अगर कोई डस्ट आती है तो डायरेक्टली इस आपके हेलमेट के अंदर नहीं जाएगी और आप इजीली सेफ ड्राइव कर पाओगे। और दोस्तों अगर अंदर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी जो कुशनिंग दी गई है दोस्तों, स्टीलबर्ड का कंफर्टेबल में भी नाम चलता है हेलमेट्स में बात करी जाए तो कंफर्ट में कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जो इसकी कुशनिंग दी गई है अब काफी अच्छी कुशनिंग दी गई है, मतलब आपको इजीली कंफर्टेबली आप अपनी राइड कर सकेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या होता है दोस्तों हेलमेट का जो मेन डिजाइन होता है, चलो कंपनी ने जो लोकल कंपनी ने जो बनाते हैं लोकल हेलमेट उन्होंने चलो कर लिया कॉपी, बट वो कहाँ मार खा जाते हैं, वो खा जाते हैं अंदर की तरफ कंफर्टेबल अपने राइडर को प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं बाहर की तरफ से चलान बचाने के लिए लोगों को बाहर से चलो हेलमेट की शेप देते हैं बट अंदर से राइडर को कंफर्टेबल नहीं होता, वही चीज कंपनी ने उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज करा गया है। कंपनी ने जो कुशनिंग दी गई है काफी अच्छी कुशनिंग दी गई है, इजीली आप इसे पहनकर आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं सिटी ड्राइव में। और दोस्तों इसमें तीसरी बात की जाए
दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टैप लॉकिंग सिस्टम दोस्तों। और दोस्तों आपको भी पता होगा, किसी भी बड़े हेलमेट्स देख लीजिए, ब्रांड को आप देख लीजिए, स्टैप लॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। लोकल हेलमेट में आप जाएंगे तो वो स्टैप नहीं इस्तेमाल करते, वो लॉक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो कि लग तो जाता है बट उसे निकालने में बहुत दिक्कत आती है। एक मिरर चाहिए होता है, मिरर पे ऐसे करके ड्राइवर देखता है कि अच्छा चलो ये लॉक आ गया, फिर वो खोलता है। बट इसमें क्या है, स्टैप लॉकिंग सिस्टम है, सिंपल है। ये जो रेड कलर का है इसे खींचिए, अब देखिए क्विक रिलीज सिस्टम है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सिर्फ महंगे हेलमेट में ही कंपनी देती है। बट इसमें कंपनी, पता ही है, आप बोल सकते हैं महंगी कंपनी है, उन्होंने सस्ता हेलमेट बना दिया, इसलिए सारे महंगे फीचर आपको इस हेलमेट में मिल गए हैं। और दोस्तों अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें एक ही कलर मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो मेन मोटिव ही यही था कि हम सस्ते हेलमेट निकाले, ज़्यादा कलर देते, उसमें ज़्यादा कोटिंग लगती, फिर उसके प्राइस वही बढ़ जाते। सिंपल इसमें कंपनी ने डैश ब्लैक इस्तेमाल करा गया है, नॉर्मल यूज के लिए हेलमेट रखा गया है। और दोस्तों इसके प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 850 के आसपास ही मिलेगा, मतलब 849 कंपनी ने इसके जो डब्बे पे लिखा है 849 लिखा है, बट आगे कुछ ऊपर नीचे इसके प्राइस कंपनी कर सकती है। तो दोस्तों काफ़ी अफोर्डेबल हेलमेट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये भी सोचेंगे यार 500 रुपये में भी तो हेलमेट आता है, 300 रुपये में भी तो हेलमेट आता है। दोस्तों वो हेलमेट की बात है, बट उसमें क्या है कि अगर आप अपनी सेफ्टी वाइज भी देखोगे तो आप कहोगे यार, दो चीज़ तो आप नोटिस करोगे कोई भी हेलमेट ले लो, सबसे पहले आप देखते हो यार मजबूत हेलमेट, लोकल भी चाहे आप देखोगे, और दूसरी चीज़ देखते हो अभी उसका नाम ब्रांड का, तो दोनों चीज़ मिल रही है आपको। तो ये आपको 850 का हेलमेट पड़ेगा, काफ़ी बढ़िया हेलमेट है। अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैंने इसे पहना, काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल हेलमेट है। बाकी आपको जब ये हेलमेट खरीदोगे तो आप एक बार मुझे कमेंट करना कि सर ऐसा हेलमेट है, मुझे ऐसा लगा, फीडबैक आपका जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आप गाड़ी और बाइक ध्यान से चलाएं और ऐसे मजबूत हेलमेट ज़रूर पहने। थैंक यू।